मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। नेताओं की चुनावी बोली भाषा की भी खूब चर्चा है। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली में नेता प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुश्तैनी गांव मुरैना क्षेत्र में आता है। ऐसे में वो अपने क्षेत्र में अपनी ही बोली में प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बात करें दिमनी के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया की, तो वो भी अपनी स्थानीय बोली बोलने के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। चुनावी मैदान में बोली का ढंग अलग ही माहौल बना रहा है। जाहिर है बोली अपनेपन का बोध कराती है। उपचुनाव में प्रचार का ये ढंग नया नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी किसान की माली हालत भी सुधारना चाहती है और बेल में डाकुओं के कारण यह चंबल बदनाम रहा। चंबल को बदनामी से मुक्त करके बेल की तकदीर बदलने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। केंद्र भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। एक प्रतिनिधि और बना लो अपना चपरासी की तरह। भाई साहब और माफी मांगे नहीं वहां और मैं मांग रहा हूँ। हर जगह मिल गए और गलती रही है नहीं है तो माफ करो। जनता तो हम लोग मोड़ा मोड़ी है बच्चे हैं तो आपको भैया आशीर्वाद दे रहे हो। हाथ उठाई गई नेता हाँ बैठे हैं। सबको आशीष करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।